चैनल पे। और आज हम लोग जा रहे हैं अभी तैयार होके, हमारी एक फ्रेंड है, उनकी है 25वीं एनिवर्सरी। तो दिन का प्रोग्राम है, थोड़े से अभी हम लेट हो गए। लेट क्या, वहाँ पर तो शायद लेट ही शुरू होगा प्रोग्राम। और वहाँ हमने अपनी लाइफ के 8.5 साल उनके साथ गुजारे हैं, तो उन्हीं के यहाँ जाना हमें आज। कहीं वाटिका में प्रोग्राम है हमारे घर के पास, तो चलिए आज एंजॉय करते हैं उसमें। हम वहाँ पहुँचे तब चल रहा था जी फोटो सेशन। देखिए कितना सुंदर ये स्टेज सजाया हुआ है, और ये पूरी फैमिली की पिक है। बहुत सारे प्रोग्राम से पहले इन्होंने ये फ़ोटो सेशन ये सब ख़त्म कर लिया था, तो हम भी चले गए अपना गिफ्ट देने, क्योंकि सबसे पहले लगता है जाते ही हाथ खाली करो। तो वहाँ बस फ़ोटो खिंचाने लग गए हम भी उनके साथ। देखिए जी यहाँ लगा हुआ है नाश्ता, ये तो खाने भी लग गए। देखिए अब यहाँ चल रही है जयमाला, तो जयमाला का प्रोग्राम शुरू हो गया। इतने गाने चल रहे थे तो मुझे पूरी आवाज़ बंद करनी पड़ी। गाने तो बहुत अच्छे अच्छे चल रहे थे, पर कॉपीराइट का चक्कर रहता है। और जयमाला के बाद जो रिंग सेरेमनी होती है, वो एक दूसरे को रिंग पहनाई दोनों ने, और सब लोग बजा रहे थे ताली। इतने में वो थोड़ी इमोशनल हो गई, उन्हें एकदम रोना आ गया, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही उनकी मदर की डेथ हो गई थी कुछ महीने पहले, तो अपने पापा से मिल रही हैं। देखो गले, देखो कुछ भी अच्छा होता है तो पहले घर वालों की याद आती है। बोतल आएगी बिजली के लिए? ये हाँ बिल्कुल आएगी। पानी पीने से चेहरा गोल हो जाता है। ओके ओके। मैं बच्चों को घर छोड़कर गई थी, तो उन्होंने प्रेशर से कहा कि बच्चों को बुलाओ। अभी ये मेरी बेटी आई है तो इसे समझा रही है कि तुम घर पे कैसे रुक गई, मम्मी आए ना आए लेकिन तुम्हें ज़रूर आना है, हम लोगों की 20 साल की दोस्ती है, बच्चे कैसे नहीं आएंगे। तो यही बातचीत चल रही थी। मेरी बेटी आई है थोड़ी लेट। बेटा चुप रहा। नव दंपति जो अभी अभी शादी हुई है, आपने देखी उनका एक सुपर डांस होने जा रहा है। मैं चाहूंगा आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें, तालियों से उनका साथ दें। आगे और रितु